नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। कल विश्वकर्मा पूजा है, भगवान विश्वकर्मा की पूजा है और उनका पूजा आराधना करने की तैयारी में हम लोग सब जुटे हुए हैं। लेकिन अपने नवादा जिले का एक शहर बाजार ऐसा है जो कि कूड़े करकट की ढेर पे इस पूजा का आयोजन होगा। वहाँ इसकी वजह जो बताई जा रही है वो वजह ये है कि वहाँ के सफाई कर्मी सामूहिक रूप से हड़ताल पर चले गए। हम चर्चा कर रहे हैं बारसलीगंज नगर परिषद की। कुल जमा 111 सफाई कर्मी जो कि दैनिक मजदूरी पर काम करते हैं वहाँ, वो लोग सामूहिक हड़ताल पर आज से चले गए। अब इस कारण साफ सफाई का काम पूरी तरह से नगर परिषद क्षेत्र में ठप है। कल विश्वकर्मा पूजा है, हड़ताली सफाई कर्मियों को मनाने का प्रयास किया गया। जो वहाँ की चेयरमैन हैं रेखा देवी, वाइस चेयरमैन है अरुण प्रसाद, चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं डब्लू गुप्ता, वार्ड पार्षद एक हैं सन्नी कुमार, ये सारे लोगों ने और कुछ वार्ड पार्षद वगैरह थे प्रयास किया कि किसी प्रकार पर्व त्यौहार है, विश्वकर्मा पूजा है, कहीं ना कहीं हर लोग साफ सफाई पर विश्वकर्मा पूजा में भी ज़्यादा ध्यान देते हैं, जोर देते हैं, फोकस रहता है साफ सफाई पे। तो कम से कम इस समय फिलहाल सफाई कर्मी हड़ताल पे न जाएं, लेकिन वो लोग नहीं माने और हड़ताल पे चले गए। और वहाँ एक इसका नेतृत्व कर रहे थे कोई शंभु कुमार हैं सफाई कर्मी, वो कर रहे थे और उनका कहना था कि हालांकि मांग उनकी कोई गलत नहीं थी, अलबत्ता पब्लिक के दृष्टिकोण से समय गलत है उनके आंदोलन का। उनका कहना था कि करीब 3.5 महीना बीत गया है, हम लोगों को जो भी मानदेय मिलता है या पारिश्रमिक मिलता है, मजदूरी मिलता है, वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलता है, जो कहिए, पिछले 3.5 महीना से नहीं मिला है। मांग तो वाकई बाजी है भाई, आप काम करा रहे हैं, मानदेय नहीं दे रहे हैं। स्वाभाविक है कि घर परिवार में उनकी परेशानी है, कल विश्वकर्मा पूजा है तो उनकी भी पूजा गई, अब उनकी पूजा जा रही है तो सबकी पूजा को लेकर के डूबने की स्थिति में है। क्यों नहीं मिलेगा वेतन, क्यों नहीं मिलेगा मानदेय? 3.5 महीने की हो चुके हैं, एक सफाई कर्मी को समझिए कि क्या दैनिक पारिश्रमिक मिलता ही होगा, और 3-4 महीना तक अगर उनका तनख्वाह वेतन नहीं मिलेगा, मानदेय नहीं मिलेगा, तो कैसे उनका घर परिवार चल पाएगा, यह सहज तरीके से समझा जा सकता है। हालांकि इस मामले में जब नगर परिषद के प्रबंधन से बात की गई तो जो डब्लू गुप्ता हैं मतलब अध्यक्ष के प्रतिनिधि, उन्होंने अपने तरफ से जो समझाने का प्रयास किया उन सफाई कर्मियों को, उसमें ये बात छनकर आई कि भाई कार्यपालक पदाधिकारी पिछले 3 महीने से हैं ही नहीं। जो जानकारी हमें मिली है उसके हिसाब से जून महीने के अंतिम समय में उनका तबादला हो गया, जो वहाँ कोई महिला थी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनका तबादला हो गया वहाँ से उसकी उनका, लेकिन पोस्टिंग किसी का हुआ ही नहीं, ऐसे में रह गई रिक्ति। पिछले महीने लगता है कि जब नए DM आशुतोष कुमार वर्मा जब आए तो उन्होंने हिसुआ के जो कार्यपालक पदाधिकारी हैं उन्हें प्रभार तो दे दिया, लेकिन वित्तीय प्रभार उन्हें नहीं मिल पाया है, वो रूटीन काम देख रहे हैं। ऐसी स्थिति में नगर परिषद का काम पूरी तरह से समझिए कि किसी प्रकार से चल रहा है, खिसट रहा है, घसीट रहा है, सारा काम मोटा मोटी तौर पर कहिए ठप ही है। जब फाइनेंशियल पावर ही नहीं है, वित्तीय ट्रांजेक्शन जब हो ही नहीं रहा है, आमद रफ्त हो ही नहीं रहा, अगर आमद हो भी रहा है तो खर्च करने का राइट ही नहीं है, खर्च किया ही नहीं जा पा रहा है, तो निश्चित तौर पर विकास ठप होगा, बाधित होगा कहीं ना कहीं। उसी स्थिति में सफाई कर्मियों को भी तनख्वाह नहीं मिल रहा है, तो स्थिति बहुत ही भयावह है। सोचे कि खबर है जिला प्रशासन के अधिकारियों के पास तक ये बात जाए, राज्य सरकार तक ये बात जाए, ताकि इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो सके। हालांकि ये बताया गया या किसी प्रकार से आश्वस्त किया गया कि भाई 1 अक्टूबर तक वेतन मिल जाएगा, उसके पहले एसपीटी साहब का पोस्टिंग हो जाएगा यहाँ वगैरह वगैरह, या जो है उनको फाइनेंशियल पावर मिल जाएगा, लेकिन सफाई कर्मी फिलहाल मानने के लिए तैयार नहीं है। देखते हैं, पहला दिन तो बीत गया है, कल विश्वकर्मा पूजा है, मान मनोबल का दौर जारी है, सफाई कर्मी मानते हैं कि नहीं मानते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो स्थितियाँ विकट होगी वहाँ की। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। 111 मजदूर है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो शंभु कुमार। क्या कहना है? क्यों कहना यही है सर कि हम लोग का 4 महीना का पेमेंट नहीं हुआ है, सब मजदूर लोग
तीन महीना 15 दिन हो चुका सर, अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। हमारा मजदूर लोग भूखल मर रहा है, भूखे मर रहा है, इसीलिए सब लोग हड़ताल पर है। हम लोग का वेतन भुगतान कर दिया जाए सर। कितना मजदूर यहाँ काम कर रहा है? यहाँ 110 लोग है। किसी को नहीं मिल रहा है? किसी को नहीं मिला है सर, अन्यथा 4 महीना रात के भी हो गया सर, रात में भी काम। सफाई का जैसे बंद कर दिया है हम लोग, सफाई काम आज के बाद सर। भूखे मर रहे हैं, बाल बच्चा सब है। मांग क्या क्या है तुम लोगों का? मांग है सर, हम लोग का 4 महीना का पेमेंट दिया जाए और उसके बाद में वेतन को बढ़ाया जाएगा। पीएफ के साथ सर, पीएफ कार्ड के सर वेतन बढ़ाया जाए। बंद करो, बंद करो।